फ्रेंड्स एक बार फिर से महिंद्रा पे और आपको जल्दी कोई खुशखबरी देंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि थार की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दीप भाई हमारे साथ हैं। दीप भाई इज बैक अगेन। हेलो बोलते हैं भाई। तो आज थार की थोड़ी सी बताना कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। लोगों को अभी भी डाउट है कि एक साल की वेटिंग है। ऐसा कोई सुनिए, अभी थार थोड़ा जल्दी अरेंज हो रही है। अप्रोक्सीमेट 3 से 4 मंथ के अंदर गाड़ियाँ अरेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू मॉडल एंड कलर्स, कि आप कलर क्या ले रहे हो, कौन सा मॉडल देख रहे हो, डीजल प्रेफर कर रहे हो या पेट्रोल प्रेफर कर रहे हो, उसके इन्वेस्ट जो भी रहता है अप्रोक्सीमेट 3 से 4 मंथ के अंदर गाड़ियाँ अरेंज हो रही है, वो आप बता ही दोगे। हाँ, ना, तो आपको कॉल कर लेंगे। जो भी होगा, जितने जो भी इंक्वायरी होगी आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो। देन जो भी आपने फीचर्स या गाड़ी के बारे में कोई इंक्वायरी करनी होगी तो आप देन एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो। भाई का नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी और नीचे चलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो थार लेनी हो, स्कॉर्पियो लेनी हो, न्यू पुरानी कुछ भी, भाई से कॉन्टेक्ट करें। अभी थार को थोड़ा सा फील लेके देखते हैं। बहुत दिन हो गए तो एक मन में आया था कि भाई कैसी चलती है, थोड़ी सी अच्छी सी फीलिंग लेनी है। आज चला के देखेंगे इसको, आपको भी बताते हैं। भाई अभी कोई रेट में चेंज हुआ है क्या? प्राइस इंक्रीज हुआ है, पहले जैसे लॉन्चिंग हुई थी लॉन्चिंग से और अब मैं टोटली ऑलमोस्ट 5 से 6 टाइम प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं। अच्छा, 5 से 6 बार बढ़ गए हैं। अभी कितने रुपए की मिल रही है अपने को? जैसे मैनुअल बताओ, मैनुअल एक ही वेरिएंट आता है इसका, तो ना मैनुअल 4x4 ही आ रहा है। डीजल बताना। डीजल ऑलमोस्ट कोई अपना ये 18 के समथिंग जा रहा है। अभी 18 के समथिंग चंडीगढ़ में जाएगा। इंटीरियर से अच्छे भली भांति वाकई वो दोस्तों, आपको पता ही है 2 सीटर ही मानो, पीछे तो तंग कर देगी। बाकी एक बार थोड़ी सी दिल में चाहत थी कि एक बार और फीलिंग ले थार की, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज प्योर है ना ड्राइविंग एक्सपीरियंस करना है, थोड़ा सा फीलिंग लेनी है एक, तो उसके लिए हम आए हैं। ऋतिक भाई हमारे साथ हैं। बहुत जल्दी वह खुशखबरी देंगे दोस्तों को, लेकिन आज चला के देख लेते हैं गाड़ी कैसे है ना। तो चलिए आप चलाइए, मैं पीछे बैठता हूँ, दीप भाई को आगे बैठाएंगे। उतरना चढ़ना तो ईजी है ना, काफ़ी ज़्यादा इसमें सही है ना। वैसे वीडियो पहले आप बना चुके हैं, लेकिन आज थोड़ी अलग रखनी है ड्राइविंग एक्सपीरियंस। फोन यहाँ पे रख दिया एंड ये यहाँ से एडजस्ट होके पीछे कोई बैठ गया। पीछे मैं आता हूँ। तो ये आप एक बार दीप भाई दोस्तों को फिर से दिखा देते हैं कि अंदर जाना कितना मुश्किल है, देखना दोस्तों। अरे मेरा वेट कम हो गया भाई, वेट कम कर दिया मेरा, 6 किलो वेट कम हुआ है इसलिए मैं इजी आ गया अभी अंदर। अभी चलो ऑटोमेटिक है ना डीजल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली गाड़ी मान के चलो इसको, जब तक बच्चे नहीं है मियां बीबी भी रख सकते हैं। हमेशा जब भी गाड़ी बंद होगी वो पार्किंग मोड पे ही बंद होगी। अगर आप इसको रिवर्स पे या न्यूट्रल पे बंद करोगे गाड़ी की फ्यूल इंजेक्शन बंद हो जाएगी, बट गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है और म्यूजिक सिस्टम है वर्किंग करता रहेगा और आप गाड़ी को लॉक भी नहीं कर पाओगे। ओके ओके ओके, आपको सायरन देते रहेगी वो। ओ, ऐसी बात नहीं है, इसमें फीचर्स हैं डीपे, इतनी देसी भी नहीं है। पहली बार बैठा था, आई जस्ट रिमेम्बर कि उसको एकदम से यार लगा था कौन से ट्रक या बस के केबिन में बैठा दिया है जब वो खड़ी थी डीलरशिप में डिलीवरी के टाइम। रीजन का जो पहले वाली थार थे वाली में कंफर्ट एंगेस्ट, इंजन एंगेस्ट, पावर एंगेस्ट बड़ी टोटली चेंजिंग है। अभी अगर आप इसके इंजन की बात करते हो, डीजल इंजन होने के बावजूद इंजन के अंदर नॉइस नहीं है। एसी की थोड़ा कम कर दोगे स्पीड, क्योंकि इंजन की तो आवाज आ नहीं रही, सिर्फ एसी की ब्लोअर की आवाज है। सभी अजीब सी बात होता है। हाँ, आज आपको ना रियल फील बताओ मेरे को, क्योंकि आपने पहले जब चलाई थी तो अपने को हार्ड ही लगी थी है ना, आज कैसी लग रही है? एक अजीब सी बात पता है आपको, मैं बार बार इसमें पहले क्लच डो रहा हूँ नीचे। अच्छा, अब आप मैनुअल वाले है ना, सेगमेंट का चेंजिंग हो जाता है ना कि जैसे मैनुअल से आप एकदम से ऑटोमेटिक ड्राइव करते हो। जो थार की जो बेसिक एसेंस थी ना, जब मैं पहली बार थार में बैठा था फर्स्ट टाइम 2016 में, हमारे घर आई थी रॉकी बीच वाली सीआरडी जो थी, उसमें जब बैठने पे केबिन का नहीं होता था कि किसी ऊंचे से केबिन पे आपको बैठा दिया गया हो, द सेम फील, सेम सब कुछ है, बस बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है, बहुत ज्यादा। आपको आपको सीट ऐसे लगता थोड़ी नीचे ज्यादा है ये? जो इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं। अगर आप सीट की सेटिंग की बात करते हो, अगर आप फॉर्च्यूनर की बात करते हो उससे अपर सीट है, अगर आप फॉर्च्यूनर की सीट अप एंड डाउन करते हो 6 km तक आप अप एंड डाउन। अच्छा, चलती गाड़ी में सर कभी भी गियर शिफ्टिंग ना करो, गियर शिफ्टिंग हो रही है और आपको ये महसूस नहीं हो रहा कि ना ही गाड़ी के अंदर कोई जर्क है। जैसे अदर गाड़ी में अगर मैं बात करता हूँ, जैसे ऑटोमेटिक वर्जन उसके
जैसे गाड़ी गियर शिफ्टिंग करते हैं उसके अंदर हल्की सी जर्क महसूस होती है आपको? बिल्कुल होती है, वो चीज़ आपको इसके अंदर फील नहीं होगी। रॉयल इंजन की भी नॉइस नहीं बिल्कुल, इसमें 2.2 का इंजन डीजल इंजन वेरिएंट है इसके अंदर, बट इंजन बिल्कुल ही साइलेंट है। अच्छा मेरे को एक चीज और फील हो रही थोड़ी कि स्कॉर्पियो की हाइट इससे ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है क्योंकि उसमें कैबिन स्पेस जो होता है ना उसका जो हेड रेस्ट है वो इससे ज्यादा है। लेकिन एक और बात है, ऊंचे की जो फील नहीं आती है अलग से, फील नहीं होगा की आप नीचे कॉम्पैक्ट की वजह से फील आती है, वो कॉम्पैक्ट है उस वजह से आ रही है। एंड थार का हमेशा से ऐसा था ना कि आपको अगर थार में कोई फर्स्ट टाइम बैठाएगा पुरानी वाली में भी तो लगेगा कि किसी ऊंची से केबिन में आपको बैठा दिया बस की तरह कोई केबिन में। डोंट गो अबव 60, वो तो प्रैक्टिस हो गई ड्राइवर से की। एंड अपने शीशे बंद है ना, थोड़ी सी नॉइस आ रही है, केबिन नॉइस है ना। ये एक्चुअली ऑटोमेटिक में ही आती है, पता आपको, मैनुअल में नहीं आएगी ये, ऑटोमेटिक में इसलिए आती है क्योंकि गियर चेंज नहीं करती ना। एक्चुअली रीजन क्या कि जो मैनुअल गाड़ी होती है उसमें टोटल माइंड हमारा गियर शिफ्टिंग में होता है, हमें वो चीज फील ही नहीं होती। अब रीजन क्या कि ऑटोमेटिक में आप बिल्कुल ही कम्फर्ट होकर बैठो, आपको ना ही गियर शिफ्टिंग करना ना ही आपकी बॉडी मूवमेंट कर रही है, वीडियो गेम खेलना, हल्की सी ये चीज फील होती है कि हाँ आपको नॉइस आ रही है इंजन के। ये तो पूरा कोई सिमुलेटर टाइप का एक्सपीरियंस लग रहा है, बैठा दिया गया, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको बस स्टीयर करना है और थोड़ा सा पैर रखना है। इसीलिए जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं उनको अच्छी नहीं लगती है ऑटोमेटिक। तो भाई 4-5 गियर मैंने चेंज किए होते हैं, शिफ्ट किया होता, टॉर्क किया होता, क्रिस्प देखा होता टॉर्क का तो। लेकिन आज एक बात बताओ, बाकी छोड़ो, दीप भाई के साथ फीलिंग आ रही है कि नहीं टेस्ट ड्राइव की? रियल भाई, हम पूरी फील ले पा रहे हैं, सच में बहुत अच्छा फील। दीप भाई आप चले गए थे ना, तो हमने 2-3 गाड़ियों में टेस्ट ड्राइव ली आपके बगैर, तो हमें मजा आया नहीं, फील ही नहीं आई गाड़ी की, सही बताएं। तो फ्रेंड्स, आप में से किसी भी फ्रेंड को चंडीगढ़ में अगर कोई गाड़ी लेनी है महिंद्रा की, तो दीप भाई से कॉन्टेक्ट करें। ये सिर्फ मतलब गाड़ी नहीं देंगे आपको, ये एक रिलेशन भी देंगे, इनके साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है जो भी कस्टमर इनसे गाड़ी लेता है। अच्छा दीप भाई आप एक बात बताइए, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं थार को स्टीयर कर रहा हूं, ब्रेक थोड़ा सा इसका लूज लग रहा है मुझे। मैं तो एक्चुअली नहीं लूज नहीं होता एक्चुअली, मैं ब्रेक तो ज्यादा ही लग रहा है यार इसका। ऑटोमेटिक जो होती है उसकी मैनुअल से ज्यादा ब्रेकिंग होती है। अच्छा, पीछे बैठ के जो आप ब्रेक ले रहे हो ना, मेरे को तो बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे हैं ब्रेक इसके। मुझे जो है ना वो वाली नहीं फील है कि गाड़ी आगे से ग्रिप बना रही है, वो वाली नहीं आती। एक चीज और मेरे को लगती है, 4x4 का तो इसमें कुछ है नहीं है ऋतिक भाई? 4x4 का जैसे कि जैसे ये गाड़ी जैसे 4x4 है तो उसमें ब्रेकिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता होगा? नहीं, पुरानी वाली में भी ऐसा नहीं पड़ा कभी भी, ब्रेकिंग तो इसमें कोई इफेक्ट। अच्छा, सेम रहती है 4x2 हो या 4x4 हो, सेम ब्रेकिंग चलती गाड़ी में, कभी भी आपने फोर व्हील ड्राइव नहीं करना। जैसे पजीरो का था शिफ्ट ऑन द फ्लाई, गाड़ी में फोर व्हील ड्राइव करने आपने, आप तो पहले गाड़ी को पार्क में लगा के गाड़ी को न्यूट्रल करके फिर फोर व्हील ड्राइव में आप इसको यूज करो। सिंपली जो मेजर और पुरानी थार में जैसे होता था, चलती गाड़ी में आप इसको फोर व्हील ड्राइव पे लेके आओगे ना, तो जो इसका जो ट्रांसमिशन होता है फोर व्हील वाला, तो वो जो गाड़ी का जो ट्रांसमिशन होता है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। वो कंडीशन है मैनुअल में हो सकता है शिफ्ट ऑन द फ्लाई? नो, नहीं होता, किसी भी गाड़ी में नहीं होगा। चलती गाड़ी में आप कभी भी वो चीज ना करो, हो जाता है बट कभी भी पंगे ना लो। अगर उसमें आप पंगे लोगे तो उसने सीधा गियर ट्रांसमिशन को लेके बैठ जाना। जैसे AWD होती है ना, जो गाड़ियाँ AWD होती हैं, उनमें आप चलती में भी कर सकते हैं, जैसे अपनी स्कॉर्पियो NI है उसमें कर सकते हो। पहले न्यूट्रल देखो सर, हाँ 4H उसके बाद फिर फर्स्ट गियर होने को सर चलती गाड़ी में हो जाता है, बट रीजन क्या है कि उसमें फिर गियर ट्रांसमिशन के ऊपर इफेक्ट आता है। लॉन्ग टाइम तक अगर आपको यूज करनी है तो ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए, है ना। अच्छा ये चलो आपकी बात ठीक है, अब इसके बारे में फाइनल वर्डिक्स जो आज तक हमने नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताए, तो कुछ बताए आप अलग से कोई शब्द आपके थार के बारे में। फाइनल वर्डिक्स तो इसका ये बताऊंगा कि ये कॉम्पैक्ट, थोड़ा जोर से बताना पड़ेगा, केबिन काफी ज्यादा कंफर्टेबल इसने बनाया हुआ है, पूरा पैक किया हुआ है, अच्छे से सीलिंग हुई है पूरी गाड़ी की। अच्छा ये पहले नहीं होता था क्या? होता था हार्ड टॉप तो नहीं, मतलब हार्ड टॉप में मुझे लगता है मैंने मिस किया हो गया। नहीं हार्ड टॉप में पूरा आता है, तो पूरा फिक्स आएगा ना, मैंने कन्वर्टेबल जो कन्वर्टेबल बता रहा था आपको, कन्वर्टेबल में ये वाला पोर्शन रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी के जो म्यूजिक सिस्टम जो स्पीकर है ट्विटर है वो फिटेड एंड लाइट्स, एंड कन्वर्टेबल में यहाँ पर भी रूफ रेल आपका कपड़े तिरपाल वाला रहेगा एंड रियर में भी तिरपाल वाला रहेगा। ओवर टाइम जो थार आती थी CRD उसमें ये होता था कि यहाँ तक जो है थोड़ा सा हार्ड दे दिया था हल्का सा, सिर्फ ये वाला जितना जो पोर्शन होता था। एक्चुअल रीजन क्या था, इसकी जो अभी जो कन्वर्टेबल आ रही है उसकी जो हुकिंग है यहाँ पर है, अगर उसमें जैसे आप करते हो वहाँ हुकिंग यहाँ से होता है
उसमें ये जो ओपनिंग थी यहाँ पर से स्टार्ट थी वो। तो पहले तो भाई पीछे पर्दे होते थे तो 60 के ऊपर कभी भी हम लोग इतनी आवाज वो विंड कट की कि नहीं चला सकते थे अच्छे से। अब ये पूरा पैक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना अच्छा हैंडल दिया, ग्रैब हैंडल। हाँ यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल्स होने चाहिए, लगवाना पड़ेगा वो लग जाता है आफ्टर मार्केट मिल जाता है, मिल जाएगा। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे इस गाड़ी की ये लग रही है, जैसे मैं चलाता हूँ मेरा ड्राइविंग पैटर्न ये, एक हाथ यहाँ पे दूसरा हाथ यहाँ पे रख लिया, तीसरा यहाँ ऐसे घुमा के रख लिया कभी, तो यहाँ पे ये जगह ये स्लॉट स्कॉर्पियो में भी नहीं है। और जितनी गाड़ियां सब में पतला दरवाजा रहता है, मतलब प्रैक्टिकल है, जो विंडो बिल्कुल यूटिलिटी के हिसाब से यूटिलिटी भी है और फन टू ड्राइव है। अब इसके वेंट्स देख लो, अब चार कितने बड़े हैं, ये पूरे पीछे तक कवर कर रहे हैं। हाँ मुझे आवाज लग रही है थोड़ी थोड़ी, अगर थोड़ा सा फास्ट कर दें तो वो अच्छे से कूल हो जाएगी। यहाँ से मैं देख रहा हूँ पूरी गाड़ी मेरे रीच में है। थार की सबसे बड़ी सुपर पावर थी उस टाइम यूटिलिटी तो नहीं थी, प्योर ऑफ रोडर थी पुरानी, बट 4 मीटर वॉज अ मेन थिंग। कि 4 मीटर की गाड़ी आप लोकल चला रहे हो, हाईवे चला रहे हो, कहीं चला रहे हो, लोकल में काटना जो होता है ट्रैफिक में उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे बड़ी तो इसकी ही बात ना, कॉम्पैक्ट साइज इसका सबसे बड़ा कैनिंग रेडियस भी अच्छा गाड़ी का। पिलर एक बार बता दूं मैं आपको, इसके पिलर स्कॉर्पियो से बहुत चौड़े हैं, बट फिर भी विजिबिलिटी ओके है। एक और इशू आता है, भैया जरा उधर आप फोकस करो कैमरा को, आदित्य भैया आप उधर जरा पकड़ो एक बार उसको ऊपर से। हाँ जैसे कि ये हैंडल आ गया ना, मैं बता रहा हूँ पापा कई बार बैठते हैं स्कॉर्पियो में और अगर उन्होंने ऊपर पकड़ा हुआ है और मैं अगर स्पीड में कहीं हाईवे पे चल रहे हैं या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहाँ अगल बगल मुझे देखना है बिना डायवर्जन की रोड है, मुझे वो ऑड लगता है कि भाई कोई भी हाथ रखे हटा ले, शार्प टर्न कुछ भी लेना पड़ा तो मुझे विजिबिलिटी मेरी बैठ जाएगी क्योंकि वो शीशा भी कवर होता है लुकिंग ग्लास। इसमें ये चीज नहीं है, ये पूरा पड़ा इसी विंडो दी हुई है, 3 है बट टोटल ब्रेथेबल है, सब कुछ दिख रहा, सब कुछ समझ में आ रहा कि आप किस सराउंडिंग में बैठे हुए हो। और आज जाके समझ में आ रहा है कि थार क्यों है ये वाली। चलो थैंक यू आपके मतलब इस वर्डिक्ट के लिए, काफी लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। इसमें देखो रिक्लाइन का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसको यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो, काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। 1500 तो अदर गाड़ी में जो नेविगेशन होता है वो 1 ईयर के बाद पेड़ रहता है, बट मेरे यहाँ पर ऐसा वो कोई सुनिए जो नेविगेशन है वो विदाउट पेड़ रहेगा, कोई कोस्टिंग नहीं। लद्दाख में जाके ये नेविगेशन सही काम करेगा, बिल्कुल वर्किंग। और ये अकेली गाड़ी बची है ऐसी नेविगेशन वाली, स्कॉर्पियो में बैठा दिया है, उसमें भी स्कॉर्पियो करना, आप एक बार दबाना इसका देखें तो। अच्छा ये नेविगेशन यहाँ पर आपने यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर सर्च करोगे आप यहाँ पर लोकेशन डालोगे की आपने कहाँ पर जाना है, जैसे आप गुड टू गो, इसमें सारा कुछ फीड है ऑलरेडी, अकेली ही गाड़ी बची है फ्रेंड्स जिसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिल रहा है। थार का बेसिक सी बात यह है कि आपने अगर पुरानी वाली थार चलाई है उसके बाद अगर आप नई थार पे बैठोगे, जैसे कि मैं खुद को काउंट कर सकता हूँ, तो आपको बहुत बड़ा एक लीप ऑफ डिफरेंस मिलेगा कि बहुत कुछ जनरेशनल चेंज है, जनरेशनल क्या पूरा सब कुछ चेंज है, बट सेम एसेंस है गाड़ी का, सेम फील है, सब कुछ सेम है, बट इट इज टू डिफरेंट एंड डिफरेंट इन अ पॉजिटिव मैनर। थार की फील ये कि ऑफ रोडर है, लाइफस्टाइल ऑफ रोडर, और इसका कोई डायरेक्ट कंपैरिजन तो आई डोंट थिंक किसी भी गाड़ी से हो सकता है। वो थोड़ा गुरखा ने कोशिश किया था, लेकिन गुरखा की प्रॉब्लम क्या है ना, गुरखा बहुत ज्यादा बड़ी है और गुरखा उतनी यूटिलिटी वाली नहीं है। एक्चुअली गुरखा बड़ी ऊंचाई में ज्यादा है एंड नीचे जो ना ग्राउंड क्लियरेंस उसका जो आगे का हब है, मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों में, लिंक आ रहा जाके देख भी ले, उसका नीचे का हब है ना वो लग जाता है, क्या बोलते हैं एक्सल, एक्सल एक्सल होता है गाड़ी का, एक्चुअली रीजन क्या है कि ऊंची तो बना दी बट जो उसका एक्सल है जैसे आप हिल एरिया में जाते कहीं भी जाते एक और नीचे टच करता है उसके, तो डिसअपॉइंट ना करें, हाईवे पे भी मजा दे यहाँ मजा दे, तो इट्स अ कंबाइंड पैकेज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आपने काफी अच्छा बताया, लेकिन उधर ही रखें कैमरा एक बार, ओके। तो दीप भाई थोड़ा सा ऐसे थोड़ा, तो दीप भाई जब से लॉन्च हुई है ना, बीच में ठीक है लोगों ने बहुत वीडियो बनाई है, तो आज अपना थोड़ा सा एक पर्पज और था इसमें, कोई दो चेंजेस बताएं। एक चेंज तो बता दिया था दीप भाई ने, रेट में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, काफी अप्रोक्सीमेट ईयर के अंदर 4 से 5 टाइम प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, अकॉर्डिंग टू लगभग 2 लाख रूपए भी बढ़ गए ऑलमोस्ट। अच्छा दूसरा चेंजेस बताएं। दूसरा चेंजिंग ये है कि पहले गाड़ी को आप गाड़ी लेने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट 1 ईयर की वेटिंग करनी पड़ती थी अगर देख लो, बट अभी थोड़ा सा इजीली हो गया, गाड़ी की थोड़ी सी जो प्रोडक्शन है वो फास्ट स्टार्ट हो गया, अभी आपको ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू वेरिएंट को 3 से 4 मंथ में गाड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है। अच्छा एक से आप से?
आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जो भाई अपनी वीडियो के थ्रू आपके पास आता है तो उसको डिस्काउंट या फिर थोड़ा सा जल्दी मिल जाएगा। देखो सर, मैं अगर मैं बात करता हूँ डिस्काउंट की, डिस्काउंट का थार भी एक्चुअली वैसे कोई डिस्काउंट है ही नहीं, पैन इंडिया कहीं भी डिस्काउंट नहीं है, बट रीजन क्या कि थोड़ा सा जल्दी प्रोवाइड करवा दें, जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, ये आपके रेफरेंस में सर आया तो थोड़ा सा वो बिल्कुल वो करेंगे, इनको जल्दी गाड़ी अरेंज। तो गाड़ी में वैसे मतलब जो फीचर्स है उसमें कोई चेंजेस, उसमें कोई चेंजिंग वैसे ये ना ही गाड़ी के अंदर अभी कोई चेंजिंग वाला है कि कोई हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं की गाड़ी कोई चेंज होनी है, फेसलिफ्ट आना है, कुछ कुछ ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं। तो भाई दोस्तों, जिसको लेनी है थार, दीप भाई से कॉन्टेक्ट करें और अपने सपने पूरे करें, क्योंकि काफी दिन तक फेसलिफ्ट नहीं आने वाला है। और होपफुली आज आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ी अंदरूनी थी इन्फॉर्मेशन हमारी दिल की जो थी, आज ऋतिक भाई ने शेयर की है आप लोगों के साथ, तो वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे आती रहती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी भाई का कोई सवाल है डायरेक्ट दीप भाई से कॉन्टेक्ट कर सकता है, कमेंट में पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद। चढ़े थे वैसे, उतर के भी दिखा देते हैं दोस्तों को, ये यहाँ से है ना एक बटन है, इसी आगे चली जाती है, और इसमें एक्चुअली उतरने की ट्रिक्स है। वैसे अगर आप उसके कंपैरिजन आप उसको सीट को कंफर्ट करते हो तो आप इजीली आराम से एंट्री भी कर सकते हो उतर नीचे।